नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णव और आप देख रहे हैं जीपी प्रोडक्शन हिंदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं। फिलहाल तो ये बहुत ही बेसिक कॉमन सा एक टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है ये नहीं पता कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो मैं इस वीडियो के मेनली उन लोगों के लिए ये वीडियो मेनली बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का बटन आप देख रहे हो वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं अपनी फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं आप देख सकते हैं मैं अपनी फोटोशॉप पे आ गया। फोटोशॉप ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ओपन ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करके एक फ़ोटो ले आता हूँ। अपनी डेस्कटॉप के मैंने एक फ़ोटो है, मैं उसको पहले यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैं सिंपल इस वाले फ़ोटो को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरे लिए फुल फ़ोटो है। ठीक है, तो मैं इसको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ में कन्वर्ट करूँगा। तो इसके लिए पहले मुझे ये क्रॉप जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको पहले सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको क्रॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अपने हिसाब से साइज को जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कितना फोटो कितना बड़ा होगा इस टाइप हिसाब से। तो मैं फिलहाल इसको इतना तक रहने देता हूँ और इधर भी मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए ये क्रॉप हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसका जो लॉक है इसको अनलॉक कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये नॉर्मल कट हो गया। ठीक है, मीन्स क्रॉप हो गया। अब मैं इसको पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे इसको स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये लेयर स्टाइल से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रोक बोल का ऑप्शन दिया हुआ है एक, देखिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे जब, तो ये देखिए स्ट्रोक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पर स्ट्रोक का साइज बोल रहा है तो मैं इसको फिलहाल 15 ले लेता हूँ, ये 14 कर देता हूँ। ओके, मैं 13 ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कलर दिया हुआ है, मैं कलर को वाइट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, और फिर यहाँ पर ये देखिए ये आउटसाइड दिया हुआ है, मैं इसको इनसाइड कर देता हूँ। तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद ओके, तो ये देखिए ये इस टाइप से आ गया। अब मैं एक नया लेयर यहाँ पर ले आता हूँ। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल इन दबाना पड़ेगा। कंट्रोल इन मीन्स न्यू लेयर। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से फाइल्स पर जाकर भी न्यू लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्थ होगा 6 इंचेस और हाइट होगा 4 इंचेस। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये इस टाइप से आ गया। अब मैं यहाँ पर पहले वाले लेयर पर जाता हूँ और ये इसको यहाँ पर खींच के इस वाले लेयर पर ले आता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर ले आया, ये देखिए ये पहला वाला फोटो है, ये देखिए यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं ऑल्ट पकड़ के इसको खींचूंगा तो ये इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। ये देखिए मैं खींच रहा हूँ ऑल्ट पकड़ कर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑल्ट पकड़ के डुप्लीकेट करके पूरा इमेज में जो है इसको अब फिट कर दिया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनते हैं। आप इसको आसानी से आप प्रिंट भी कर सकते हैं जैसे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।